तो दोस्तों नमस्कार स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों अगर आप भी सी एस हो या तो सी एस संचालक हो आपके पास भी सी एस सेंटर है और दोस्तों आप भी एक दुकान चलाते हो तो दोस्तों इस वीडियो का आखिर तक बने रहना क्योंकि दोस्तों आपकी कुछ गलती के कारण से आपका आईडी को बंद कर दिया जाएगा ब्लॉक कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी एस की तरफ से एक नया जरूरी सूचना निकल के आया है इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ तो वीडियो का आखिर तक बने रहना लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आपने

दौरान जारी दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करें मतलब दोस्तों यहां आपको क्लियर बता देना चाहूंगा जो भी दोस्तों सी एस सी वाले हैं जो भी अपना काम करते हैं कोई भी काम उसमें दोस्तों यहाँ पे आपको 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 जैसे निर्देश दिया गया है रोल को फॉलो करते हुए आपको करना है उसके बाद नीचे यहां पे एक पोस्टर जारी कर दिया गया है जिसमें साफ साफ लिखा है कृपया ध्यान दें तो चलिए मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूं तो दोस्तों इस पोस्टर में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे यहां पर दोस्तों भी दिया है कि कृपया ध्यान दें इसमें लिखा जैसे यहाँ पे दोस्तों हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बीएलई यानी कि कुछ बीएलई सीएससी संचालक विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक पंजीकरण का काम नहीं कर रहे हैं या उसके बाद लिखा हुआ है जैसे यहां पे दोस्तों साफ 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 इसमें इसमें भी लिखा हुआ है यदि कोई बीएलई निर्देशों के मुताबिक श्रमिक पंजीकरण नहीं करता है या गैर कानूनी गतिविधि से लिप्त पाया जाता है तो राज्य सरकार यानी कि राज्य श्रम विभाग और सी एस मिलकर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्य करें उसके बाद लिखा गया है साफ साफ यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे वेले की सी एस तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा मतलब दोस्तों इसको बताने का मतलब साफ साफ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो भी दोस्तों सी का नियम है उसके नियम के अनुसार ही आपको कोई भी सरकारी का काम करना है अगर दोस्तों बहुत सारे ऐसे सी एस हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और उनका प्रोसेस कंप्लीट करा देते हैं तो दोस्तों अगर ऐसे करते हुए आप पकड़े जाओगे तो आपका सी एस साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि निष्क्रिय कर दिया जाएगा अगर दोस्तों आप भी एक सी एस सी वेली हो आपको भी इस टाइप से अगर काम करते हो दो नंबर वाला काम तो आप सुधर जाना क्योंकि अगर आप पकड़े जाओगे तो आपकी आई डी यहाँ पे बिल्कुल भी बंद कर दिया जाएगा फिर दोस्तों आपको कमाई भी नहीं होगा आपको काम भी नहीं मिलेगा और दोबारा से आपको आई डी भी नहीं मिलेगा इसलिए दोस्तों एक ही चीज़ मैं आपको क्लियर कहूंगा कि जो भी काम कर रहे हो सोच समझ के काम करना और जो भी सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना कुछ भी काम करते हो तो वेरीफाई जरूर कर लेना फर्जी वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपके आई डी को तुरंत से तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा या तो दोस्तों आपको आई डी डिलीट भी कर दिया जाएगा तो दोस्तों यह सी के बड़ी अपडेट निकल के आ गई है अगर दोस्तों आप भी ऐसे काम करते हो तो अगले बार से बिल्कुल भी मत करना अगर आपका सी एस को बचाना है तो, तो इस वीडियो में यही चीज़ आपको जानकारी देना था जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी टाइप से वीडियो देखने के लिए नया अपडेट पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना